डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.4 के लिए 8.4 के लिए कुछ फार्मूले को पढ़े थे, जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 था और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 था। ये तीन इंपॉर्टेंट फार्मूला, और ये तीन इंपॉर्टेंट फार्मूला से और भी हम लोग चार अलग फार्मूला निकाल सकते थे, तो वो चीज़ें हम लोग देखें। यानी कि टोटल हम लोग 12 फार्मूला को कुल मिलाकर पढ़े थे, ठीक है। चलिए और भी महत्वपूर्ण फार्मूला हम लोग देखते हैं कि और भी महत्वपूर्ण फार्मूला क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, फिर लिखा जाए अन्य महत्वपूर्ण सूत्र। टॉपिक लिखेंगे अन्य महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है। अब इसके अलावा और भी कुछ फार्मूला है। देख लो भाई, ये जो 8.4 एक्सरसाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके पीछे जो अभी हम लोग फार्मूला पढ़ रहे हैं, ये फार्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है और इन फार्मूला को आपको बिल्कुल याद रख लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप इन फार्मूले को अच्छे तरीके से याद रख ले पाते हैं तो आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी 8.4 को समझने में या सॉल्यूशन करने में। तो अन्य महत्वपूर्ण सूत्र में दोस्तों, पहला फार्मूला ये है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू हमेशा 1 होता है। देख लो भाई दोस्तों, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉसेक थीटा कॉस नहीं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1। यानी कि एक साइन में रहे एक कॉसेक में रहे, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। एक का थीटा तो दूसरे का भी थीटा, यानी कि साइन 0 इंटू कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। साइन 50 इंटू कॉसेक 50 का वैल्यू कितना? 1। देख लो, साइन और कॉसेक हमेशा गुना में होना चाहिए, ठीक है। साइन और कॉसेक हमेशा गुना में होना चाहिए और दोनों का कोण यानी कि थीटा बराबर होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखेंगे तभी हम उसके जगह पे 1 रखेंगे। जैसे दोस्तों, साइन ए इंटू कॉसेक ए का भी वैल्यू 1 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि साइन और कॉसेक रहे, दोनों का एंगल थीटा थीटा सेम रहे और गुना करके हमेशा उसका 1 लिख सकते हैं। यहाँ से एक और फार्मूला निकाल लो भाई। देखो, फार्मूला आप निकालते चलो, क्योंकि फार्मूला अगर निकालेंगे आप तो उसी फार्मूले से और भी फार्मूले जो निकलेंगे उसका भी यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू, ये गुना में है ना भाई, कॉसेक थीटा इसके गुना में है और इधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड में होगा, यानी कि 1/ कॉसेक थीटा। ये भी एक फार्मूला हो गया दोस्तों। इसी से ये फार्मूला निकल रहा है, इसी से ये निकल रहा है। कैसे? कि अगर कोई चीज़ गुना होता है तो इधर जाता है तो भागा में हो जाता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा गुना में होता है, इधर जाता है तो क्या किस में हो जाता है? भागा में हो जाता है। उसी तरीके से एक और फार्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं। कॉसेक थीटा अगर गुना में रहता है, कॉसेक थीटा अगर गुना में रहता है तो इधर जाता है तो किस में हो जाएगा? भागा में हो जाएगा, 1/ साइन थीटा, ठीक है। ये कॉसेक थीटा है, इधर जाएगा तो किस में होगा? भागा में हो जाएगा, यानी कि 1/ साइन थीटा, क्लियर। तो कुल मिलाकर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से दो फार्मूला, एक साइन थीटा का एक कॉसेक थीटा का, हम लोग दोनों का फार्मूला निकाल चुके हैं यहाँ से। एक साइन थीटा का क्या होगा? 1/ कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, ये साइन थीटा गुना में है तो ये नीचे चला जाएगा 1/ साइन थीटा। तो यहाँ से, यहीं से दो और फार्मूला हम लोग निकाल लिए हैं दोस्तों, जो कि आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए इसको, ठीक है। चलिए दूसरा फार्मूला देखते हैं। तो दूसरा फार्मूला हम लोगों को कुछ इस तरीके से है, जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, उसी तरीके से हम लोगों को कॉस थीटा, ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा इंटू
सेक थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि किसका किसका मल्टीपल करके 1 आता है, तो साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 और कॉस थीटा और सेक थीटा का वैल्यू होता है 1। ये आपको याद रहेगा कि कॉस थीटा और सेक थीटा का जो मल्टीपल होता है वो 1 होता है। तो यहाँ से एक चीज और निकाल सकते हैं आप, कैसे? तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये सेक थीटा इधर गुना में है तो सेक थीटा नीचे जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा। ठीक है, तो एक यहाँ से एक और फार्मूला आप निकाल पा रहे हैं। कब? जब आपको पता रहेगा कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ये सेक थीटा इधर गुना में है, नीचे चला जाएगा 1 बाई सेक थीटा। अच्छा, फिर सेक थीटा इधर अगर वैल्यू निकालेंगे सेक थीटा का, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो कॉस थीटा इधर गुना में है, ये चला जाएगा इधर भागा में, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा का फार्मूला हो गया हम लोगों को 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोगों को 2 फार्मूला मिल गया। तो कॉस थीटा और सेक थीटा का जब गुणा करेंगे हम लोग तो क्या होगा? 1। ठीक है, और तो यहाँ से कॉस थीटा भी वैल्यू निकाल सकते हैं और सेक थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए, तीसरा इम्पोर्टेंट फार्मूला हम लोग तीसरा फार्मूला सीखेंगे कि तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या है। तो तीसरा फार्मूला है दोस्तों, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू होता है 1। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ध्यान रहे। टेन थीटा और कॉट थीटा का जो गुना होता है उसका गुना कितना होता है? 1। ध्यान रहे, एक टेन में होना चाहिए, एक कोट में होना चाहिए, दोनों गुना में होना चाहिए, दोनों का थीटा थीटा सेम। मतलब समझ पा रहे हैं कि टेन 48 गुना कॉट 48, यानी कि जो यहाँ थीटा है वो यहाँ भी थीटा ही रहना चाहिए। यहाँ 48 है तो 48, 10 है तो 10, लेकिन एक टेन में तो दूसरा कॉट में, यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे भी थीटा, तब हम लोग इसका वैल्यू 1 करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो टेन थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, टेन थीटा कॉट थीटा का वैल्यू 1 होता है। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट फार्मूला निकाल सकते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होगा? तो कॉट थीटा इधर गुना में है तो कॉट थीटा भागा में चल जाएगा, तो टेन थीटा का फार्मूला हो गया यहाँ से 1 बटा में कॉट थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया? 1 बटा कॉट थीटा। अच्छा, यहाँ से हम लोग टेन थीटा और कॉट थीटा जब गुना में होता है उसका वैल्यू कितना करते हैं? 1। तो यहाँ से जैसे टेन थीटा का वैल्यू निकालें, यहाँ से हम लोग कॉट थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या होगा कॉट थीटा का वैल्यू? तो ये टेन थीटा गुना में है तो टेन थीटा कहाँ चला जाएगा? नीचे भागा में, तो क्या होगा? 1 बटा 1 बटा टेन थीटा। तो ध्यान रहे, यहाँ से कॉट थीटा बराबर हो गया हम लोगों को क्या? 1 बटा टेन थीटा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इससे भी हम लोग 2 फार्मूला आराम से निकाल सकते हैं। कब? जब टेन थीटा और कॉट थीटा गुना में रहता है तो इसका वैल्यू 1 होता है, और टेन थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? 1 बाई टेन थीटा। चलिए अगले फार्मूला पे चलते हैं, चौथा फार्मूला देख लो भाई। साइन थीटा में अगर कोस थीटा से डिवाइड करते हैं तो याद रखना टेन थीटा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, साइन थीटा में अगर कोस थीटा से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है? टेन थीटा। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बताना चाहें तो आप लिख सकते हैं साइन 80 डिग्री बटा कोस 80 डिग्री अगर मिलेगा, तब
तब हम इसकी जगह पे क्या होता है, टेन 80 आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान में याद रखिएगा फार्मूला कि साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन। ये थीटा 80 है तो नीचे भी उतना ही रहना चाहिए, यहाँ पे भी उतना ही रहेगा। अगर मान लिया ऐसे रहेगा साइन ए बटा कॉस ए, तब क्या लिख सकते हैं इसको, तो टेन ए लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आखिर साइन थीटा बट्टा कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। इसी से रिलेटेड अगला पांचवा फार्मूला, ये जितना भी फार्मूला दोस्त हम आपको बताए हुए हैं सबका इस्तेमाल हम लोग करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। तो पांचवा क्वेश्चन याद रखना होगा, अगर कॉस थीटा ऊपर रहेगा और साइन थीटा नीचे रहेगा तो फार्मूला बनता है हम लोगों को कॉट थीटा। देख रहे हैं, साइन जब ऊपर रहता है और कोस नीचे रहता है तो टेन थीटा के बराबर होता है। अगर वही कॉस ऊपर हो जाए और साइन नीचे हो जाए तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, कॉट थीटा कहते हैं, ठीक है। कॉस थीटा बटा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, क्लियर। अच्छा इसका एग्जाम्पल का बात कर ले, तो अगर मान लिया कॉस एक्स रहे और बटा साइन एक्स रहे, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको कॉट एक्स लिख सकते हैं। या फिर अगर मान लिया रहेगा कॉस 30 डिग्री बटा साइन 30 डिग्री, तब हम इसको लिख सकते हैं कॉट 30, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो ये जो पांचों फार्मूला इसका हुआ, और पिछले दिन पिछले क्लास का अभी हम लोग फार्मूला पढ़े जो स्क्वायर वाला था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, इसका भी हम लोग पढ़े, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले सवाल पढ़िए, क्या बोल रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट के पदों में व्यक्त कीजिए। किसके पदों में बोल रहे हैं, कोट के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। हमको जो है कॉट लाना है, तो कॉट के पदों में व्यक्त करना है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे जरा देखिए। सबसे पहले सवाल समझिए, एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन, ठीक है। अब एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस क्या बोला जा रहा है और उसको हम लोग कैसे डील करेंगे वो जरा अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए एक बार, क्या बोल रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए है सेक ए है टेन ए है, उसको किसमें बदलना है, कॉट ए में, यानी कि जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या क्या है, साइन ए है, ठीक है, सेक ए है, ठीक है, फिर बोल रहा है टेन ए है। ये हम लोगों को क्वेश्चन है, साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी कि ये तीनों जो क्वेश्चन है इसका हम लोगों को जो आंसर लाना है किस फॉर्म में लाना है, कोट ए के फॉर्म में, यानी कि आपको साइन से भी चलते चलते कोट हो जाना है और सेक से चलते चलते कोट जाना है और टेन से भी चलते चलते कोट जाना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इन चीजों को, तो आपको जो है सबसे पहले दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि हम लोग आखिर कैसे कोट ए में चेंज करेंगे, ठीक है, कोट ए में आखिर कैसे चेंज करेंगे, तो आपको समझना चाहिए यहाँ पे कि हम लोगों को कोट में जाना है, किससे जाना है,
साइन का जो ये है, साइन ए है, इसका हम लोगों को आंसर करना है किसमें, क्वार्ट ए में। क्लियर। अभी हम लोग क्वार्ट ए में कैसे जाएंगे, तो इसके लिए अब हम लोगों को चाहिए कि सबसे पहले आप ये देखिए कि हम लोगों को किसमें व्यक्त करना है, किसमें व्यक्त करना है भाई, तो क्वार्ट ए में, है ना। जब क्वार्ट ए में हम लोगों को व्यक्त करना है इसको, चलिए देखते हैं, क्वार्ट ए लाना है ना, तो क्वार्ट ए लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे सवालों को अच्छे से समझ रहे हैं, यहाँ पे कि सवाल बोला कि साइन ए है, सेक ए है, टेन ए है, सबको बदल के आपको किस में चेंज करना है, कॉट ए में। आपको सेक ए बोला जा रहा है, अब सेक ए से फार्मूला जो आपको खुद से करना है वो क्या करना है, कॉट में चेंज कर देना है, ठीक है। टेन ए से भी आपको कॉट ए में चेंज कर देना है, यानी कि आपको यहाँ पे सवाल क्या बोल रहे हैं जरा समझिए। साइन ए है, सेक ए है, टेन ए है, इससे आपको कॉट ए में चेंज करना है, ठीक है। किसमें चेंज करना है, कॉट ए में। सेक ए है, इससे भी आपको कॉट ए में चेंज करना है, टेन ए से भी आपको कॉट ए में जाना है। आप सबसे पहले साइन ए को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना भाई, क्यों, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो हम लोग रूट साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। और हम जो जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए का मतलब हम लोग साइन ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, नहीं, स्क्वायर का मतलब पूरा स्क्वायर। और दोस्त यहाँ पे हम लोग फार्मूला जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बटा कॉसेक थीटा होता है, क्या साइन थीटा के जगह पे 1 बाई कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे रूट का रूट रहेगा, साइन ए के जगह पे 1 बटा कॉसेक ए लिख सकते हैं, और पूरा का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा करने से दोस्तों रूट का रूट रहेगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और कोसेक ए है इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। एक फार्मूला हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को आ गया कैसे, तो 1 बटा ये कोसेक स्क्वायर है ना, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही हो गया हम लोगों का आंसर। सवाल था साइन ए, साइन ए से कुछ कुछ फार्मूला लगाते लगाते अपने दिमाग से, ये खुद से दिमाग लगाना होगा कि साइन ए है, इससे भी आपको कॉट ए में चेंज कर देना है, यानी कि साइन ए बोला गया तो उसमें जब आंसर करिएगा तो सिर्फ कॉट ए दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए, यानी कि ट्रिगो छो वो होता ना है, 6 तरह का ट्रिगो होता है, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक, ठीक है। तो हमको सिर्फ कॉट दिखना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रही कि कॉट एक ही जगह दिखना चाहिए, यहाँ पे भी कॉट रहता तो चल सकता था, 2 जगह दिखे 3 जगह दिखे, मैंने जो आंसर आएगा आपको तो उस आंसर में केवल कॉट दिखना चाहिए, तो साइन ए से भी आपको कॉट ए में चेंज कर देना है, तो इतना हो जाएगा। अच्छा फिर है हम लोगों का सेक ए, क्या है भाई सेक ए, तो देख लो सेक ए से कैसे चेंज करेंगे, तो सेक ए है, ठीक है। हम लोग जानते हैं, पता है क्या जानते हैं, यहाँ देख लो फार्मूला क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जानते हैं, जानते हैं ना भाई, तो इस सेक को आप कैसे लिख लो,
रूट अंडर सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि ये सेक ए है, तो रूट भी चढ़ा दिए और स्क्वायर भी चढ़ा दिए, इससे क्या होगा, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो खुद वही सेक ए ही बचेगा और रूट का रूट रहेगा, और यहाँ पे सेक स्क्वायर ए की जगह पे यहाँ रख दिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मतलब टेन ए का होल स्क्वायर। नहीं, अब यहाँ पे हम लोगों को आंसर मिलेगा ऐसे, 1 प्लस टेन थीटा। अभी हम लोग पढ़े ना कि टेन थीटा और कॉट थीटा को गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 1, ठीक है। तो यहाँ पे टेन थीटा का फार्मूला होता है 1 बाई कॉट थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे टेन ए है, तो टेन ए का क्या होगा, 1 बाई कॉट ए, इसका पूरा का स्क्वायर। तो कुल मिलाकर हम लोग इसको यहाँ तक आंसर देख पा रहे होंगे कि टेन ए को लिख दिया 1 बाई कॉट। यानी दोस्तों आपको क्या करना है, अपना दिमाग लगाकर इसको चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1 को तो 1 लिखेंगे, प्लस ऊपर वाला का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, और बट्टा में कॉट ए का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको एलसीएम भी ले सकते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो एलसीएम ले लिया जाए तो नीचे 1 और कॉट स्क्वायर का एलसीएम कितना होगा, सिर्फ कॉट स्क्वायर ए नहीं, और ऊपर कितना होगा, तो 1 से कॉट स्क्वायर ए कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस, और कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर तो नहीं कि 1, यानी कि हम लोगों को देख पा रहे होंगे 1 को पहले लिखेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बट्टा कॉट स्क्वायर ए, यानी कि यहाँ से हम उसके नीचे लिखेंगे, ऊपर वाला का तो रूट रहेगा ही रहेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बट्टा नीचे वाला का रूट अगर निकालेंगे तो कॉट स्क्वायर और रूट, रूट पूरा है अभी, ठीक है, पूरा नीचे तक है रूट, ऊपर वाला का रूट तो वैसे ही छोड़ देंगे, और नीचे वाला स्क्वायर भी है और रूट भी है, तो सिर्फ कॉट ए बच जाएगा। आप देख पा रहे थे सवाल था सेक ए, इसको फार्मूला लगाते लगाते हम लोग कॉट में चेंज कर दिए। ऐसा नहीं हम बोल रहे कि सिर्फ एक ही जगह कॉट दिखना चाहिए, दो दस जगह दिख रहा है, लेकिन सिर्फ जो आंसर आया है उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉट ही ना है, इसलिए ध्यान देना है कि सवाल क्या बोल रहा था, कि आपको साइंस को, सेक को, टेन को कोट में बदल देना है। तीसरा है टेन, टेन ए, तो ये तो फार्मूले होता है दोस्तों कि टेन ए इज इक्वल टू 1 बट्टा कॉट ए, तो ये तो फार्मूला में ऐसे चेंज हो गया। उसी तरीके से दोस्तों जैसे कि अभी हम लोग पढ़े, अगला सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसा ही बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। ध्यान दीजिए, हम लोगों को सेक ए के पदों में लिखना है, इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय, कई गो त्रिकोणमितीय होता है, तो साइन ए, कॉस ए, ठीक है, सेक ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, अन्य सभी का मतलब क्या, सभी ट्रिगोनोमेट्री तो 6 तरीके से, और 6 का जो चेंज करके बताना है आंसर वो किस रूप में भाई, तो सेक ए में बताना है। हालांकि आप देखेंगे तो सेक ए तो खुद सेक ए के फॉर्म में है, इसको तो कोई चेंज करने का जरूरत ही नहीं है। टोटल आपको 5 गो के चेंज करना है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, इन 5 जो ट्रिगो है इसको आप चेंज कर दीजिएगा, किसमें,
फेक एम है, फार्मूला को लगाकर जितना फार्मूला आपको दिए हैं सबका इस्तेमाल करना है। तो आप जरूर ट्राई कीजिए कि आखिर हम कैसे फार्मूला अपनाएंगे कि साइन ए जो है वो सेक में चेंज हो जाएगा, कॉस जो है कैसे सेक ए में चेंज होगा। आप इन चीज़ों को जरूर दिमाग लगाइए, अगर नहीं बनेगा तो हम जरूर अगले क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन बोल रहा था ना, हालांकि पहला क्वेश्चन बोल रहा था कि किसको किसको चेंज करिए, तो सिर्फ साइन सेक टेन को कोट ए में चेंज करना है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितियों को सेक ए में बदल देना है। हालांकि सेक को तो नहीं बदल सकते हैं, तो इन पांचों को आप जरूर चेंज कीजिएगा कि आप कैसे चेंज कर पाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।